बेटा मूविंग फर्दर, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. वी नो व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, जब भी आरबीआई जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज बेचता है या आरबीआई जनरल पब्लिक से सिक्योरिटीज को खरीदता है तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हेन वुड आरबीआई सेल इट्स सिक्योरिटीज एंड व्हेन वुड आरबीआई नीड टू बाय इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम द जनरल पब्लिक. So, बेटे इन केस यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड देन आरबीआई व्हाट डज इट डू, इट सेल इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक. सिक्योरिटीज अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, पेपर सिक्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं क्योंकि हम फिजिकल एसेट्स की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स सिक्योरिटीज उनकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, रसिका बेटे जरा अटेंडेंस नोट कर लेना, मैंने दो तीन बारी की है फिर बच्चे आ जा रहे हैं. सो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को बेच देता है. जब आरबीआई सिक्योरिटीज को बेच देता है लोग खरीदते हैं. हाउ डू पीपल बाय, दे यू नो राइट अ चेक आरबीआई. तो जब वो चेक लिखते हैं तो उससे क्या होता है, वो चेक कहाँ से जाता है, उनका जो कमर्शियल बैंक अकाउंट होता है उसमें से जाता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, है ना. जब आरबीआई बेटे सिक्योरिटीज को बेचता है, वो सिक्योरिटीज लोग खरीदते हैं. लोग कैसे खरीदते हैं, बाय पेइंग अ चेक टू आरबीआई. तो जब ऐसा होता है, आरबीआई को चेक मिलता है, तो कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो कम हो जाते हैं. तो जब कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, यानी जो उनके एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं, यानी जो उनकी लोन पे करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो नेचुरली वो लोन कम देंगे. व्हेन लेस लोन्स आर ग्रांटेड मनी सप्लाई विल बी लेस इन द इकोनॉमी. जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोग खर्चा भी कम करेंगे. तो जब लोग खर्चा कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हमने क्या किया, आरबीआई ने बहुत स्मार्टली अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर क्या किया, सिस्टम में से लिक्विडिटी सक कर ली. ठीक है, कैसे सक की, आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटीज आप लोगों को बेची कि ये आप बॉन्ड ले लो, हम आपको 5 साल बाद इसको विद इंटरेस्ट, आज 10 लाख का बॉन्ड है या 10,000 का बॉन्ड है, हम आपको 5 साल बाद विद इंटरेस्ट 15,000 रुपए वापिस कर देंगे. तो आपने 10,000 का चेक काट के दे दिया, वो 10,000 रुपए से कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स कम हो गए. यानी जो एक्सेस कैश रिजर्व्स वो रख के बैठे थे लोन देने के लिए, जो उनकी लोन पेइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई. ठीक है, तो वो लोन कम देंगे. जब लोन कम देंगे तो मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी. जब मनी की सप्लाई बेटे कम है तो लोग खर्चा भी कम करेंगे, लिक्विडिटी सक होगी ना सिस्टम में से, लोगों के पास अब लिक्विड एसेट्स नहीं है तो वो खर्चा कैसे करेंगे. यही तो हम चाहते हैं, वो ऑलरेडी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, हम चाहते हैं वो कम खर्चा करें, कम डिमांड करें, क्योंकि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं. तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी. गॉट इट. ऑन द अदर हैंड, इफ इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, व्हाट शुड बी डन बाय आरबीआई. आरबीआई बाय बैक द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक. जब वो लोगों से सिक्योरिटीज खरीद लेती है, यानी लोगों को लिक्विडिटी इम्पार्ट कर देती है, लोगों को चेक काट के दे देती है, ये लो आपकी 10,000 की, ये लो आप सिक्योरिटीज हम आपसे खरीद रहे हैं, आप हमें सिक्योरिटीज दे दो, ये लो आपके 15,000 रुपए. ठीक है, तो जब ऐसा होगा वो चेक कहाँ जाएगा, वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा. कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे,
डिपॉजिट्स लिख दो, एक्सेस कैश रिजर्व लिख दो, तो उनकी लोन देने की कैपेसिटी यानी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा लोन्स देंगे, ज्यादा लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाएगी। जब लोगों के पास लिक्विडिटी होगी तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। दिस इज व्हाट वी वांट, पीपल शुड स्पेंड मोर। इन दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉल्वड इन द इकोनॉमी। ठीक, क्लियर है बेटे? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके, सो थैंक गॉड यू पीपल आर लिसनिंग, नाइस। ऑल राइट, कैन यू सजेस्ट एनी अदर मेजर? कौन सा मेजर रह गया हमारा, बता सकता है कोई? यस सुहानी, इट इज लीगल रिजर्व रेशियो। सो बेटे लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप आइदर विद देमसेल्व्स और विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इट हैज टू वेरिएंट्स, वन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड अनदर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों की ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स में सेम है, ठीक है? तो हम दोनों को इकट्ठा लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो करेंटली कैश रिजर्व रेशियो इज 3%, विच मीन्स एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप 3% ऑफ इट्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जितने भी उसके टोटल डिपॉजिट्स हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स, उनका 3% जो है वो हर कमर्शियल बैंक के लिए कंपल्सरी है कि उसको आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। उसको वो स्पेंड नहीं कर सकता, उसको वो यूज नहीं कर सकता, उसको आरबीआई के साथ ये जमा कराना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? तो बाय द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो बैंक के एक्सेस कैश रिजर्व्स कम हो जाते हैं। जितना आप ज्यादा, सपोज करो मैं आपको क्या, आपके ग्रैंडफादर कहते हैं बेटे जितना आप कमाओगे ना उसका 3% आपने मेरे को देना है, ठीक है? तो आपने 100 रुपया कमाया, 3 रुपए उनको दे दिया, तो 97 आपकी स्पेंडिंग कम होगी ना। अब आप 100 रुपए नहीं खर्च सकते, अब आप 97 खर्च सकते हो। तो कल को अगर वो कहेंगे अब मेरे को 3% से तो नहीं गुजारा हो रहा, 4% दो, तो उस केस में फिर आपको आपकी स्पेंडिंग और कम हो जाएगी, 96 करोड़ आपके पास एक्सेस कैश रिजर्व रह जाएंगे। सो इसी तरह बेटे जैसे आपको आरबीआई के साथ रखना है, इसी तरह हर बैंक को कुछ परसेंटेज अपने टाइम और डिमांड डिपॉजिट की अपने पास भी रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। उसको बोलते हैं स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कुछ 18.5% है इस टाइम पे, यानी अगर बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट है तो उसको 17.5 या 18 रुपए, जो भी गवर्नमेंट कहती है, आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है, उतना परसेंटेज वो अपने पास उसको रखना पड़ता है। सो बाय द अमाउंट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो द एक्सेस कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक डिक्लाइंस, उतना परसेंटेज वो कम दे सकता है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है? तो अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है। अगर सपोज करो बैंक के पास 100 का प्राइमरी डिपॉजिट है, लीगल रिजर्व रेशियो 20 है, तो ये बैंक 80 करोड़ रुपए का लोन दे सकता है। ये इसके एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर बैंक एलआरआर बढ़ा देती है 25% कर देती है, तो इसका मतलब 75% जो है वो सिर्फ एक्सेस, उसके जो एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 75 रुपीज रह गए, यानी वो 75 का लोन दे सकती है।
ना पता चल रहा है हमें, अगर हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो हमें लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, बैंक के पास जो एक्सेस कैश रिजर्व्स है वो कम हो जाएंगे, यानी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो कम लोन देंगे, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोग खर्चा भी कम करेंगे। बेटे आप समझ रहे हो ना, खर्चा कम, एग्रीगेट डिमांड मींस प्लान्ड एक्सपेंडिचर, सो व्हेन दे वुड स्पेंड लेस ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्वड इन द इकोनॉमी। एज देयर इज सम पावर प्रॉब्लम द बोर्ड मे बी ब्लर्ड, सो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, इन केस द इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड देन व्हाट वुड आरबीआई डू, आरबीआई वुड डिक्रीज इट्स लीगल रिजर्व रेशियो। हम चाहते हैं लोग खर्चा ज्यादा करें तो उसके लिए हम बैंकों को बोलेंगे अपने पास कम रखो, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा दो तो उससे क्या होगा, एक्सेस कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बैंकों की बढ़ जाएगी, उसके बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विच वॉज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स हमने कवर कर लिए हैं। फाइव मेजर्स हमने डिस्कस किए हैं सो फार, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। ओके, सो कमिंग टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विच इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक ही हम करेंगे, आपके सिलेबस में यही मेंशन्ड है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एनीवन कैन यू टेल मी, आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, हम सब एक तरह से रिपीटेशन ही है, टर्म वन में हमने बैंकिंग में ये सब किया हुआ है, सो एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हाउ वुड इट अफेक्ट यू नो द एक्सेस, हाउ वुड इट हेल्प सॉल्विंग द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। यस भवनीत, कैन यू टेल मैम? याद नहीं है, सॉरी। अच्छा, याद नहीं है। प्रभनूर, मैम मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ लोन। यस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड। ठीक है, वेरी मच राइट, वेरी गुड बेटे। सो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट से 40% है, इसका मतलब बैंक के पास जो सिक्योरिटी आती है, जो भी बोरोअर बेटे है जो बैंक से बोरो करने आता है फंड्स, वो एक सिक्योरिटी लेके आता है, तो बिना सिक्योरिटी के बैंक लोन नहीं देता है। तो अगर उसकी जितनी भी वैल्यू है सिक्योरिटी की, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, इसका मतलब बैंक 60% तक उस सिक्योरिटी की 60% वैल्यू तक लोन ऑफर कर सकता है। ठीक, तो अगर बेटे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है, हम चाहते हैं लोग कम खर्चे, तो क्या करना चाहिए, आरबीआई क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है।
यानी अब मार्जिन रिक्वायरमेंट 40 से कर दी 50%, यानी जो भी अपनी कोई सिक्योरिटी लेकर आएगा तो अब बैंक जो है उसकी वैल्यू का सिर्फ 50% लोन दे पाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो आरबीआई ने बढ़ा दिया है. सो व्हेन इट इज रेज्ड, इट फोर्सेस द बोरोअर टू सिक्योर लेस अमाउंट ऑफ द फंड्स फ्रॉम द बैंक, ठीक है. बोरोअर जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाएगा तो लोन की डिमांड या लोन जो है वो कम ले पाएगा, लेस लोन ही विल बी एनेबल टू गेट लेस लोन, क्योंकि बेटे सिक्योरिटी तो उसके पास वही है, 100 रुपए की सिक्योरिटी है, पहले 100 के बेसिस पर उसको 60 रुपए का लोन मिल रहा था, अब सिर्फ 50 का मिल रहा है, यानी उसको कम लोन मिल रहा है. तो जब कम लोन ले पाएगा तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, तो लोग खर्चा भी कम करेंगे. जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड वाइसे वर्सा, अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, ये एक सर्कुलर देगा, बैंक्स को बोलेगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% कर दो, यानी आपके पास जो भी सिक्योरिटी लेके आ रहा है उसका सिर्फ 30% काटना है, उसको 70% की वैल्यू तक का लोन दे देना है. तो दिस वुड इनेबल द बोरोअर टू टेक मोर लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, दिस वुड इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज and the problem of deficient demand will be solved in the economy, right? This much is clear. ये कर लीजिए. उसके बाद ये था हमारा मॉनिटरी पॉलिसी के मेजर्स, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेस और डेफिशियंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई अडॉप्ट करती है, और दूसरी हमारी जो पॉलिसी है वो है फिस्कल पॉलिसी. अब फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल वर्ड रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स फिस्कल पॉलिसी, आर यू अवेयर? फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी, बेटे दैट इज इनहेरेंट इन द बजट. 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस किया, ये पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, फिस्कल पॉलिसी हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा बजट है वो हर साल एक बारी हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऑन द 1 फरवरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर रेंजिंग फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन अनाउंस कर दिया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है. ये फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आते रहते हैं. हमारी एक कॉमिटी है MRC, मॉनेटरी रिव्यू कॉमिटी, जो टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करते रहते हैं. बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें चेंजेस आते रहते हैं. बट बजटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड वंस अ ईयर, 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर. सो इसके बेटे बजट से, बजटरी पॉलिसी से या फिस्कल पॉलिसी से हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देयर आर टू वेज. वन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड अनदर इज टैक्सेस. डू नॉट लीव द क्लास बेटे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन केस देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी लोग ज्यादा खर्च रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा खर्च रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग कम कर देनी चाहिए. गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड डिक्रीज. उससे क्या होगा, इनकम कम जनरेट होगी. जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है,
लेकिन जब गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी, आउटपुट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी. जब इनकम कम होगी तो लोग खर्चा भी कम करेंगे. जब लोग खर्चा कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है? यस बच्चे. ऑन द अदर हैंड, इफ देयर एग्जिस्ट्स डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग. इस बारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कैपेक्स, यू नो व्हाट इज कैपेक्स? ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने बजट पढ़ाया, उनको पता होना चाहिए. कैपेक्स, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी परसेंटेज इस बारी बढ़ाई है. ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना लॉजिक क्या दिया? जब गवर्नमेंट को ये कहा गया कि मिडिल मैन के लिए तो कुछ नहीं है, तो ये लॉजिक दिया कि ये जो कैपेक्स हम कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली मिडिल मैन के लिए ही बेनिफिट लेके आएगा. कैसे बेनिफिट लेके आता है? जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एक भी किसी भी इकोनॉमी में करते हैं बेटे, उससे क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, प्लांट, मशीनरी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी. ठीक है, तो दिस विल ऑफ कोर्स लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ मिडिल क्लास. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है तो क्या होता है? लोगों की इनकम बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम बढ़ जाती है. जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा भी ज्यादा करेंगे. तो जब खर्चा ज्यादा करेंगे, यही तो हम चाहते हैं. हमारी इकोनॉमी में तो आगे डिमांड की कमी है, हम चाहते ही हैं कि लोग खर्चा ज्यादा करें. लेकिन लोगों का खर्चा बढ़ाने के लिए उनको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी. तो वो लिक्विडिटी हमने कैसे दी? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी. तो इससे डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर? राइट. अनदर फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, टैक्स. व्हाट इज अ टैक्स? कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक और फर्म्स टू द गवर्नमेंट. टैक्स आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट कम कर देती है, सॉरी बढ़ा देती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है. दोनों डिस्कस कर लेते हैं. डायरेक्ट अगर बढ़ाएगी तो उससे डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी. मेरी इनकम है 1,00,000 रुपए पर मंथ, मेरे ऊपर डायरेक्ट टैक्स है 10%, तो मेरा 90,000 हर महीने टैक्स में चला जाता है. यानी मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? डिस्पोजेबल इनकम, दैट इनकम विच आई कैन स्पेंड एज आई लाइक, 90,000. 1,00,000 थोड़ी है, 1,00,000 में से 10,000 तो मैं टैक्स दे रही हूं. ठीक है, तो कितनी बची? 90,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम है. अब गवर्नमेंट ने सपोज करो इस बजट में टैक्स रेट और बढ़ा दिया, अब मेरी 15,000 टैक्स में चली जाती है, तो मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 85,000. ठीक है, तो मतलब मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी. इंक्रीज इन टैक्स रेट विद लीड टू फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम. अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उससे लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स पे भी अप्लाई कर देते हैं. गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स रेट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया. जब जीएसटी बढ़ जाएगा बेटे, उससे प्राइसेस बढ़ेंगे. प्राइसेस बढ़ेंगे तो गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी, यानी खर्चा कम करोगे. ठीक है, खर्चा कम करोगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और अगर हम टैक्सेस से डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट वे, टैक्स रेट कम कर दो, उससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. पहले 1,00,000 के ऊपर मेरा 10,000 टैक्स था, मैं 90,000 खर्च सकती थी, अब 5,000 टैक्स रह गया, मैं 95,000 खर्च सकती हूँ. मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो मैं क्या करूंगी? मैं खर्चा ज्यादा करूंगी. वाई नॉट, है ना? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी ना. जब ऐसा होगा तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी.
और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जीएसटी गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो कंजम्पशन पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, ज्यादा कंजम्पशन करोगे यानी खर्चा ज्यादा करोगे, जब आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं यू विल स्पेंड मोर, सो व्हेन यू स्पेंड मोर द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉल्व इन द इकोनॉमी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यू